ओके सो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे पूछा था कि इसका DJI पॉकेट 2 का नाम क्या होना चाहिए. सो ऑलमोस्ट कोई 20 ऑड ऑप्शंस आई थी और उसमें से हमने चूज किया है पॉकेट पाशा. तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है मैंने ये लिया क्यों. आई मीन मेरी व्लॉगिंग ठीक चल रही थी, आई हैड DSLR, आई हैड मोबाइल फ़ोन, सो इसकी क्या ज़रूरत थी. तो मैंने ये लिया है बिकॉज ऑफ 4 reasons. रीज़न नंबर 1, स्टेबिलिटी. क्योंकि इसके साथ गिम्बल अटैच्ड है, इस वजह से जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो मैकेनिकली उसको स्टेबलाइज किया जा रहा होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग के थ्रू नहीं. सो सबसे पहली तो वो रीज़न है. तो अब आप इस क्लिप को देखें, इसमें मैं सिंपल चल रहा हूँ और वीडियो बहुत स्टेबल है. इस तरह की स्टेबिलिटी आपको नॉर्मल मोबाइल फ़ोन में नहीं मिलेगी. हाँ, कुछ लोग कहते हैं आईफोन में मिल जाएगी, बट हर एक आईफोन ले नहीं सकता. और इस क्लिप में मैं हल्की सी जॉगिंग कर रहा हूँ, तब भी स्टेबिलिटी को देखें काफ़ी अच्छी है. सो दैट वॉज रीज़न नंबर 1. रीज़न नंबर 2, फील्ड ऑफ व्यू. कैमरा या मोबाइल अगर मैंने पकड़ा होता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बाजू को एक्सटेंड करके और फिर चलना होता था. इसमें यह है कि मैं अगर इसको अभी ऑन करूं और इससे रिकॉर्डिंग शुरू करूं तो आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छा व्यू मेरे बैकग्राउंड का भी आ रहा है. और इसको मैंने अपने आप से बहुत दूर नहीं पकड़ा हुआ, इनफैक्ट ये देखें बस इतना पकड़ा हुआ है. रीज़न नंबर 3 इज़ शूटिंग स्लोमो इन 1080p. अब मैं जब भी अपने मोबाइल से स्लोमो शूट करता हूँ वो 720p में जाता है और वीडियो क्वालिटी ज़रा ख़राब हो जाती है, तो इसमें ऐसा सीन नहीं है. और फाइनली इसके ऑब्जेक्ट को फॉलो करने की कैपेबिलिटी. सो अब ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं अपने चेहरे पे टैप करता हूँ, डबल टैप, और मैं इसको यहाँ सेट कर देता हूँ. तो अब जहाँ जहाँ मैं मूव करूँगा ये मेरे साथ मूव करेगा. हेलो, ये इधर इधर. इंसान को फेशियल रिकग्निशन के थ्रू तो ये ट्रैक कर लेगा. लेट्स सी कि ये अगर वॉली पाशा को ट्रैक कर सकता है. ओके, सो मैंने एक्टिव ट्रैक ऑन कर दिया. लेट्स सी इफ दिस वर्क्स. नोप. लेट्स ट्राई अगेन. एक्टिव ट्रैक ऑन. ओह यस, मैं मूव कर रहा हूँ तो ये साथ में मूव कर रहा है. अभी तक मैंने जितना भी इसको यूज़ किया मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नज़र आया और वो है क्योंकि इसका लेंस काफ़ी वाइड है, अगर मैं इसको करीब मूव करूँगा ज़्यादा तो बेसिकली स्फेरिकल सा इफेक्ट आता है, फिश आई समथिंग कहते हैं उसको. तो या वो एक चीज़ नहीं अच्छी. बाकी इट्स ऑसम यार. और अगर फील्ड ऑफ व्यू और अच्छा करना है तो ये भी एक ऑप्शन है. ये मैंने सिर्फ अपने ट्राईपॉड के साथ इसको कनेक्ट कर लिया है. और सो व्लॉगिंग के हिसाब से मैं 3 मेन अब इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ. सो सबसे पहले है हमारा DSLR कैमरा नाइकॉन का. ये मैं यूज़ करता हूँ फॉर सिनेमैटिक शॉट्स और अगर मैंने कैमरे से बात करनी है और पीछे ज़रा बोके कहते हैं या जिसको ब्लरी इफेक्ट कहते हैं बैकग्राउंड का, उसके लिए DSLR यूज़ होता है. उसके बाद दूसरी चीज़ है, इस पर अभी रिकॉर्डिंग हो रही है फ़ोन, वो भी आपको दिखा देते हैं. तो ये आपके पास हमारा फ़ोन आ गया, उसका स्टैंड आ गया और उसके बाद अब DJI पॉकेट या फिर पॉकेट पाशा. इसके साथ भी काफ़ी एक्सेसरीज हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर DSLR है उसके साथ माइक भी है, लाइट है, एक्स्ट्रा बैटरीज हैं, इस तरह की चीज़ें. तो इसके साथ भी कुछ इस तरह की चीज़ें एंड फाइनली ड्रोन है या वॉली पाशा. तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस इक्विपमेंट के साथ मैं क्या कर सकता हूँ. ये देखिए, tell